Now, first question, the main objective of Pharmacy Act 1948 is, the main objective of Pharmacy Act 1948 is, first option है, to regulate import, manufacture, distribution of drug. Second, to regulate the profession and practice of pharmacy. Third, to raise the status of profession of pharmacy. Fourth, both B and C. So, the main objective of Pharmacy Act 1948 is, फार्मेसी एक्ट जो कि 1948 में पास हुआ था, उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो रेगुलेट इंपोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, टू राइज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, एंड लास्ट है बोथ बी एंड सी. राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी. अर्थात क्या, टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, टू राइज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. दो ऑप्शन इज करेक्ट है. राइट ऑप्शन इज डी बोथ बी एंड सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट 1956. यूजीसी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट 1956. First option, section 3, second, section 4, third, section 10, and fourth, section 3A. तो जो यू जी सी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था यू जी सी एक्ट, वो किस सेक्शन के तहत स्थापित किया गया? सेक्शन थर्ड, सेक्शन फोर्थ, सेक्शन टेन, सेक्शन 3A. राइट ऑप्शन इज सेक्शन फोर. सेक्शन फोर के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया. राइट आंसर इज सेक्शन फोर. ऑप्शन इज राइट बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल अंडर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. Pharmacy Act 1948 provides the constitution of Central Council under by Central Government. Section 3rd, Section 3 of Chapter 1st, Section 4th and Section 4th of Chapter 1st. तो Pharmacy अधिनियम के तहत जो 1948 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय परिषद के गठन का प्राविधान करता है, क्या प्रावधान करता है? किस सेक्शन के तहत? सेक्शन थ्री, सेक्शन थ्री ऑफ चैप्टर फर्स्ट, सेक्शन फोर, सेक्शन फोर ऑफ चैप्टर फर्स्ट. राइट ऑप्शन इज सेक्शन थ्री ऑफ चैप्टर फर्स्ट. राइट आंसर है सेक्शन थ्री ऑफ चैप्टर फर्स्ट. राइट ऑप्शन इज बी. Now next question, the function of Pharmacy Council of India. The function of Pharmacy Council of India. First option, to prescribe minimum standard of education, to regulate. Second, to regulate minimum education standard. C, third, to compile and maintain a central register for pharmacists. And D, all of the above. द फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड, टू कंपाइल एंड मेंटेन अ सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव. द राइट ऑप्शन इज डी. Next question, qualification in pharmacy granted outside India can be recognized by. Qualification in pharmacy granted outside India can be recognized by. First option is Pharmacy Council of India PCI. Second, University Grant Commission UGC. Third, Drug Technical Advisory Board DTAB. And fourth, Drug Consultative Committee.
क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, अर्थात जो भारत के बाहर फार्मेसी योग्यता होती है उसे अथॉराइज्ड रिकॉग्नाइज कौन कर सकता है, उसे कौन करेगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ड्रग क्लिनिकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। राइट आंसर इज PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन इंक्लूड, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग कोर्स ऑफ स्टडी एग्जामिनेशन इंक्लूड्स, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन इंस्पेक्शन अप्रूवल डिक्लेरेशन अप्लीकेशन, सेकेंड अप्लीकेशन अप्रूवल इंस्पेक्शन डिक्लेरेशन, थर्ड इंस्पेक्शन अप्रूवल अप्लीकेशन डिक्लेरेशन, फोर्थ अप्लीकेशन इंस्पेक्शन अप्रूवल डिक्लेरेशन। जो स्टडी जो इंस्टीट्यूशन है जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं फार्मेसी कोर्स के लिए, उनका जो अप्रूवल इंस्टीट्यूशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, किन स्टेप पे होता है, इंस्पेक्शन अप्रूवल डिक्लेरेशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अप्रूवल इंस्पेक्शन डिक्लेरेशन, इंस्पेक्शन अप्रूवल अप्लीकेशन डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन इंस्पेक्शन अप्रूवल डिक्लेरेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका एप्लीकेशन इंस्पेक्शन अप्रूवल डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन इंस्पेक्शन अप्रूवल डिक्लेरेशन, अर्थात राइट ऑप्शन इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक्सेप्ट, फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन चीफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, सेकेंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड फोर्थ ड्रग इंस्पेक्टर। फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक्सेप्ट, लेकिन इसे कौन सा एक्स ऑफिशियल मेंबर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को छोड़ के, किसे छोड़ के, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एनालिसिस, ड्रग इंस्पेक्टर। राइट ऑप्शन इज राइट ऑफ राइट आंसर इज ड्रग इंस्पेक्टर, अर्थात राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज टू द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, जो फार्मेसी एक्ट 1948 में है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिक्रीज मीजर्स राइज स्टेट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी 1948 इज टू द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, जो फार्मेसी 1948 में आया था उसका इंडिया में प्रोफेशन क्या है, एजुकेशन को बढ़ाना है या घटाना है, डिक्रीज मीजर राइज स्टेट। फर्स्ट राइट आंसर इज राइस, अर्थात राइट ऑप्शन होगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन टू कंट्रोल इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, सेकेंड टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ एवम। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 फ्रॉम द फॉलोइंग, मेन उद्देश्य क्या था फार्मेसी एक्ट का जो 1948 में पास हुआ था उसका मेन उद्देश्य क्या था, टू कंट्रोल इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, थर्ड टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। राइट ऑप्शन इज बी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल काउंसिल मीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल काउंसिल मीन्स, फर्स्ट ऑप्शन जॉइंट फार्मेसी काउंसिल, सेकेंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, थर्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फोर्थ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. द सेंट्रल काउंसिल मीन्स जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेंट्रल काउंसिल मतलब क्या होता है? राइट आंसर इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. राइट आंसर इज डी, ऑप्शन इज डी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग इज नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ पी सी आई एंड डी टैप, विच एमंग इज नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ पी सी आई एंड डी टैप. फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सेकेंड डायरेक्टर ऑफ सी डी एल कोलकाता, थर्ड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड फोर्थ डायरेक्टर ऑफ सी डी आर आई लखनऊ. विच एमंग इज नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ पी सी आई एंड डी टैप, इनमें से कौन सा कॉमन मेंबर नहीं है पी सी आई और डी टैप का? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सी डी एल कोलकाता, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सी डी आर आई लखनऊ. राइट आंसर इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. विच एमंग इज नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ पी सी आई एंड डी टैप. राइट आंसर है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. राइट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, सिक्स एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर. फर्स्ट ऑप्शन 1996 1996, सेकेंड 2007 2007, थर्ड 2010 2010 एंड फोर्थ 1985 में. सिक्स एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1996 2004 2010 एंड 1985 1985 में ये पास हुआ था, पब्लिश हुई थी बुक 1 सितंबर 2010 यानी कि 2010 में. राइट ऑप्शन इज सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी. फर्स्ट ऑप्शन बी मुखर्जी, सेकेंड एस एस भाटिया, थर्ड जोसेफ बोर एंड थर्ड आर डी दलाल. हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी का सबसे पहला चेयरमैन कौन था? बी मुखर्जी, एस एस भाटिया, जोसेफ बोर एंड आर डी दलाल. राइट आंसर इज एस एस भाटिया. राइट ऑप्शन होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑप्शन द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सेकेंड द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, थर्ड द डायरेक्टर जनरल ड्रग लेबोरेटरी एंड फोर्थ डायरेक्टर जनरल हेल्थ रिसर्च सॉरी द डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट. विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनमें से निम्नलिखित में से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कौन मेंबर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, सेकेंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, थर्ड डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड फोर्थ डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट. राइट आंसर इज द डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट. राइट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज, ए पर्सन इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज. फर्स्ट ऑप्शन होल्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी, सेकेंड हैविंग सफिशियंट एक्सपीरियंस इन फार्मेसी प्रोफेशन, थर्ड हैविंग हिज नेम एंटर्ड इन द स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट एंड फोर्थ होल्डिंग डिग्री इन फार्मेसी. ए पर्सन इज रजिस्टर्ड
कॉल्ड एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही एज, यानी कि एक व्यक्ति रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहलाएगा, होल्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी, हैविंग सफिशियंट एक्सपीरियंस इन फार्मेसी प्रोफेशन, हैविंग हिज नेम इंटर्ड इन द स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, होल्डिंग डिग्री इन फार्मेसी. राइट आंसर इज हैविंग हिज नेम इंटर्ड इन द स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट. राइट ऑप्शन इज सी. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जेएसकेएम क्लासेस. थैंक यू.